आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक लिक्विड है जिसका टेम्परेचर का फॉल कर रहा है 56 डिग्री सेल्सियस से 50 पे, और वो भी कितने सेकंड में, तो 100 सेकंड में, और कूलिंग कांस्टेंट दे रखा आपका 0.002 सेकंड इनवर्स। तो बोला जा रहा है कि फाइंड आउट द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का आपसे टेम्परेचर पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें हमें हेल्प होगा हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है। तो हमने एक रिलेशन पढ़ रखा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अकॉर्डिंग हमने एक रिलेशन पढ़ा है कि जो आपका टेम्परेचर का डिफरेंस होता है, जिसको अगर हम लोग थीटा 1 माइनस थीटा 2 करो, यहाँ पे हाइवर है और आपका ये लोअर है, एंड डिवाइडेड बाय आपका टाइम, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू हमारा होता है अल्फा, जिसको हम लोग कहते हैं कूलिंग कॉन्स्टेंट अल्फा को, एंड एवरेज टेम्परेचर, ठीक है, एवरेज थीटा 1 थीटा 2 का एवरेज, एंड माइनस का आपका आता है सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है। ये जो थीटा नॉट यहाँ पे देख रहे हैं, दिस वन इज द आपका सराउंडिंग टेम्परेचर, ठीक है, सराउंडिंग टेम्परेचर ये वाला, ओके। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख सकते हैं कि हमारा जो टेम्परेचर जो डिक्रीज कर रहा है, वो हमारा 56 डिग्री सेल्सियस से हमारा पहुंच जा रहा है 50 डिग्री सेल्सियस, और टाइम कितना लग रहा है इसमें, इसमें आपका टाइम लग रहा है आपका 100 सेकेंड के बराबर, ओके। अब अगर इस रिलेशन का यूज करें और एक और कूलिंग कॉन्स्टेंट अल्फा का वैल्यू आपका दे रखा है 0.002 सेकेंड इनवर्स, ओके। इसका वैल्यू अगर हम लोग यूज करें इस क्वेश्चन में, तो थीटा 1 है आपका 56, तो यहाँ आ जाएगा 56 माइनस का 50, एंड टाइम है हमारा 100 सेकेंड इज इक्वल टू अल्फा का वैल्यू है आपका 0.002, तो ये हो जाएगा 0.002, एंड हम लोग ब्रैकेट में लेंगे दोनों का एवरेज, मतलब 56 एंड प्लस का 50 बाई 2 एंड माइनस का आपका सराउंडिंग का टेम्परेचर, ओके। हम लोग यहाँ से सॉल्व कर ले रहे हैं इस वैल्यू को, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा यहाँ पे, तो देख सकते हैं कि 56 माइनस 50 कितना आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 6 बाई 100, एंड दिस वैल्यू इज, इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 और नीचे हमारा आ जाएगा 30, ठीक है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 106, और 106 बाई 2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 53, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 53 एंड माइनस का सराउंडिंग का टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ से 20 से 20 कैंसिल, एंड ये 2 3 6 हो गया, ओके। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये हमारा आ जाएगा 30 इज इक्वल टू 53 माइनस का थीटा नॉट, ओके। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो सराउंडिंग का जो टेम्परेचर आएगा वो आपका आ जाएगा 53 माइनस का 30, और इसको सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका 53 माइनस का 30 कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3 एंड 5 माइनस 3, ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 23 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जाएगा 23 डिग्री सेल्सियस के बराबर, और ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।